गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पिछले क्लास में हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करी थी। आज की क्लास में अब हम लोग आर्टिकल 77 और 78 की बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आर्टिकल 76 में। आज हम दो आर्टिकल्स पढ़ेंगे। किस हेडिंग के तहत पढ़ेंगे? कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, यानी कि सरकारी कार्य का संचालन कैसे होता है, उसके बारे में हम दो आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ये दो आर्टिकल्स को कंसिस्ट करता है आर्टिकल 77 एंड 78। इन दोनों आर्टिकल्स को जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम हमारे सब्जेक्ट में जो चल रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 का चैप्टर फर्स्ट जो आपका शुरू हुआ था पार्ट 5 का, वो आपका प्रेसिडेंट से शुरू हुआ था। आर्टिकल 52 से हमने पढ़ना शुरू किया था। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक ही आपका है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट 5 का चैप्टर 2, जो किस बारे में होगा? पार्लियामेंट के बारे में, विधायिका के बारे में। अब वहां पर हमने जो 78 तक हमने पढ़ा, 52 से लेकर 78 तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो किस बारे में था? वो था एग्जीक्यूटिव के बारे में, वो था कार्यपालिका के बारे में, संघ की जो कार्यपालिका थी उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे संघ की विधायिका यानी कि संसद मीन्स पार्लियामेंट के बारे में, जो 79 से शुरू होगा हमारा अगली क्लास में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं 77 एंड 78 की, और यहाँ पर आज हम संघ की कार्यपालिका का टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 77 जो है आपका, आप सबसे पहले बात करता है एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारत सरकार की जितनी भी कार्यपालिका कार्यवाही होगी, यानी कि संघ की जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, वो किसके नाम से होंगे? प्रेसिडेंट के ऑफ इंडिया के नाम से, भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। संघ के जितनी भी कार्यपालिका कार्यवाही होगी वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, ठीक है। उन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों, मान लीजिए जो कार्यपालिका संबंध है, उन सब पे किसके कौन ऑथेंट करेगा उनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस संबंध में जो भी नियम वगैरह बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 77 से आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि भारत सरकार की जो भी कार्यपालिका कार्यवाही होती है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, और इनसे संबंधित जो नियम है वो कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 77 की तो यही बात ध्यान रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। बस यही क्वेश्चन कई बार आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार की कार्यपालिका जो एक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो एक्शन होते हैं, वो किसके नाम से किए जाते हैं। ऑप्शन दे दिया आपको, लाइक ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। आप क्या ऑप्शन लगाओगे? बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के नाम से। तो यहाँ पर केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करें आर्टिकल 78 की, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसकी बात करता है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं भाई, किस बारे में, कि वो राष्ट्रपति को किस बात के बारे में जानकारी दें, कम्युनिकेट करें, क्या क्या उनकी ड्यूटीज बताई गई है कार्यपालिका के कार्यों को लेकर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आर्टिकल 78 जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है, वो एक बात, पहली बात तो ये कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी, जो प्रशासन संबंधी जो उनका कार्य है, सबसे पहले हम उनके एडमिनिस्ट्रेशनल अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें, प्रशासन संबंधी जो कार्य है, प्लस इसके अलावा जो लेजिस्लेशन प्रपोज्ड है, यानी कि जो जैसे जो विधायन प्रस्तावित है कि ये विधायन हमें ये अधिनियम बनाना है, अभी तक ये प्रस्ताव में चल रहा है, तो क्लोज फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो प्रशासन संबंधी कार्यों के बारे में और जो विधायन प्रस्तावित है, जो विधि विधायन प्रस्तावित है, उनके बारे में प्रेसिडेंट को जानकारी दे, उनके बारे में प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे, प्रेसिडेंट को संसूचित करे। इसमें वर्ड कम्युनिकेशन यानी कि संसूचित करने का प्रयोग किया गया, यानी कि वो राष्ट्रपति की जानकारी में इस बात को ला दे कि क्या तो प्रशासन संबंधी कार्य है और क्या लेजिस्लेशन से संबंधित जो प्रपोजल्स है, वो उन पर मंत्रिमंडल जो है वो लिया है, उस डिसीजन को वो प्रेसिडेंट तक कम्युनिकेट करेंगे।
एक बार और बताती हूँ, एक बार और सुन लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्लोज में क्या बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बताई गई है, उसका कर्तव्य बताया गया है कि वो प्रशासन संबंधी जो कार्य है उसके अलावा जो प्रपोज लेजिस्लेशन है, प्रस्तावित जो विधायन है, उनके संबंध में मंत्रिमंडल के जो लिए गए डिसीजंस है उन डिसीजंस के बारे में वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेंगे, संसूचना देंगे। ठीक है, सेकंड बताया गया है कि इन एडमिनिस्ट्रेशनल अफेयर्स, प्रशासन संबंधी कार्यों और लेजिस्लेशन प्रपोज्ड, यानी कि जो प्रस्तावित विधायन है इनके संबंध में अगर राष्ट्रपति ने कोई और भी जानकारी प्राइम मिनिस्टर से चाही है तो वो चाही गई जानकारी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेंगे। मतलब इनसे संबंधित अगर कोई एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है उस पर जवाब चाहते हैं, अगर प्रेसिडेंट या कोई जानकारी चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो वो जानकारी भी इनके संबंध में दी जाएगी। क्लियर हो गई दोनों क्लोजेस की बात। यदि किसी एक मंत्री ने किसी विषय के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है लेकिन अभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने यानी कि मंत्री परिषद ने उस पर कोई विचार नहीं किया है और राष्ट्रपति चाहे कि मंत्री परिषद उस विषय पर विचार करे तो वहां पर उस विषय पर विचार किया जाएगा, वहां पर उस विषय को आगे मंत्री परिषद के सामने रखा जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिए क्लोज थर्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिस पर किसी एक मिनिस्टर ने कोई निश्चय ले लिया है, कोई डिसीजन लिया है, लेकिन अभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने यानी कि मंत्री परिषद ने उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है या फिर कुछ उसके देखा नहीं है, उसके संबंध में कोई कुछ नहीं हुआ है, तो वहां पर प्रेसिडेंट के चाहने पर वो सब्जेक्ट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष रखा जाएगा। इस तरह से आर्टिकल 77 एंड आर्टिकल 78 आपके कंप्लीट होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव से संबंधित थे और एग्जीक्यूटिव के लास्ट जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है आपकी जो संघ कार्यपालिका है उसके अंतिम अनुच्छेद है ये दोनों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे मिलते हैं पार्ट 5 के चैप्टर 2 में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।